देखो कैसा कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। चलो सबसे पहले मैं हम लोगों का विलेज में का मौसम कैसा है दोस्तों, चलो आप सभी लोगों को पहले दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। और आप सब लोग देख ही सकते हो दोस्तों, हर दिन का जैसा आज भी हम लोगों का इधर का मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों, देख ही सकते हो। और आसमान भी बहुत क्लियर है और अभी क्लियर होने के वजह से अभी हम लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है दोस्तों। लेकिन अभी दिन पे आज धूप थोड़ा सा होने के वजह से गर्मी भी बहुत लग रहा है दोस्तों, आप सब लोग समझ ही सकते हो दोस्तों। और आप सब लोग देख सकते हो अभी रास्ता भी बहुत खाली खाली लग रहा है दोस्तों। और अपना आयुष और ये इनका नाम है आबिद, ये सारू का बेटा है दोस्तों। और ये भी अपने घर पे आया है घूमने के लिए। और इधर देख सकते हो, तो आ जाओ पीछे आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि अभी तो सामने से गाड़ी उड़ी चल रहा है ना, ये बच्चे लोगों को सामने खेलने के लिए नहीं दूंगा दोस्तों। इन लोगों को पीछे दिखाऊंगा जगह, उसी जगह पे वो लोग खेलने का जो भी काम रहेगा दोस्तों इधर ही करेगा वो लोग, ठीक है। और तुम लोगों को एक बात बताता हूँ मैं, तुम लोग ना आगे मत जाना हाँ, क्योंकि उधर गाड़ी उड़ी भी चल रहा है ना, इसी की वजह से बहुत डर लगता है। आगे मत जाना, इधर ही खेलना। और देख सकते हो ये इनका नाम आबिद है और ये अपना सारू का बेटा है दोस्तों। और अभी मैं जगह दिखा दिया इधर इन लोगों को कि पीछे खेलना, क्योंकि इधर खेलने का जगह है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर थोड़ा सा कचरा है, लेकिन फिर भी ना खेलने के लिए इन लोगों के लिए जगह है दोस्तों। और उधर उन लोगों को जगह दिखा दिया दोस्तों, और उधर तो सुनिए भी अपना बंधा हुआ है दोस्तों, इसी के वजह से बोल दिया कि तुम लोग उधर ही खेलना और सामने मत जाना, क्योंकि अभी बच्चा है वो लोग, अगर थोड़ा सा रास्ते पे चला गया तो किसी भी वक्त फिर कुछ ना घट जाए, इसी के वजह से मैं उन लोगों को बोले कि तुम लोग पीछे खेलो। और वो लोग अभी भी रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और इन लोगों का भी इधर दिखा दिया जगह दोस्तों, देख सकते हो इधर ही ये लोग खेल रहे हैं दोस्तों। और अपना सुनिए भी इधर ही है, क्योंकि इनको भी ये भी इधर बांध के रखा हो दोस्तों। और ये पेड़ के नीचे छाव है, इसी के वजह से इसको छोड़ दिया हो इधर। और इनके लिए अभी घास भी करने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों, और उधर भी बहुत सारा बकरी है, लेकिन इनको छोड़ दूंगा ना तो फिर भाग जाएगा उधर, इसके वजह से अभी इनको नहीं छोड़ रहा हो। लगभग अभी इनका हम लोगों का घर पे 10 से 12 दिन हुआ है, तो और 4-5 दिन ऐसा बांध के रखूँगा, उनका ना आदत लग जाएगा अपने घर का, तो फिर उनके बाद छोड़ दूंगा उनको, तो फिर ये बकरी लोगों के साथ जो भी खेलने का जो भी खाना वाना जो भी करने का है ना करेगा दोस्तों। तो फिर शाम होने के बाद या तो हर टाइम इधर ही रहेगा ना, तो फिर अपना घर जा भी सकता है दोस्तों, देख सकते हो वो हम लोगों का घर है और जस्ट इधर ही उनको बांध के रखा हो दोस्तों। इनका भी मन करता है कि उधर जाओ, लेकिन अभी उनको छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। और इसको देख सकते हो, ये भी बहुत अभी बकरी के साथ खेल रहा है दोस्तों अपना सुनिया जी के साथ। ये ना इधर भी चला जाता है यार, सबसे बदमाश होगा यही है। और देख सकते हो आबिद अभी बकरी के साथ खेल रहा है और बहुत तो अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ उसको परेशानी मत करो हाँ। और ये इनका उम्र जस्ट ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है, लगभग 5-6 महीने का होएगा शायद मेरे हिसाब से। और दोनों का हाइट वुट देख ही सकते हो, लेकिन अपना लड़का जो है ना बहुत दुबला है। अब ये लोग सोनिया जी के साथ बहुत खेल रहा है दोस्तों, लेकिन सोनिया जी को बहुत परेशानी भी कर रहा है ये लोग, और वो लेकर अभी खेल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अभी दिन में थोड़ा सा गर्मी है और आप सब लोग देख सकते हो दोस्तों कितना अभी पसीना भी आ गया, ठीक है ना। और इधर देख सकते हो ये लोग अभी पबजी खेल रहे हैं, अभी बच्चे लोग, ये बच्चे लोग ना अभी उधर पबजी खेल रहे हैं। तुम्हारे मासी के किए बोलो उधर ना, और दोस्तों ये बारिश के वजह से देख सकते हो ये अपना जो सपनों का चूल्हा जो था दोस्तों, अभी इनका हालात कैसा हो गया है देख सकते हो। और अभी ये चूल्हा बहुत ख़राब भी हो गया है बारिश के वजह से, और पानी गिरने के वजह से ना ये चूल्हा पूरा सड़ गया है दोस्तों। इनको ठीक करने के लिए नदी की उस पार से मिट्टी भी लाना पड़ेगा दोस्तों, इसके बाद ये ना ठीक होएगा। और देख सकते हो चूल्हा का हालत कैसा हो गया है दोस्तों, और इसको पहले अभी रिपेयरिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ये चूल्हा जलना स्टार्ट होएगा दोस्तों। अपना घर का जो भी खाना वाना पक रहा है दोस्तों, जो बगल वाले जो चाची है ना उनके घर पे बना रहा है दोस्तों, और अभी खाना इधर बन रहा है हम लोगों का। वो चूल्हा अभी ठीक करूँगा, उसके बाद वो चूल्हा फिर स्टार्ट होएगा हम लोगों का दोस्तों। और अभी इधर हम लोगों का खाना बन रहा है आज का, ठीक है ना। तो वो चूल्हा हम लोग ठीक कर लूँगा तो फिर उधर हम लोगों का खाना बनेगा,
और ये हम लोग का चाची का घर है दोस्तों। इधर भी बहुत सारा देख सकते हो, अभी वो अपना करला मरला लगा के रखा है। सभी आदमी कुछ ना कुछ देखो छोटा मोटा बंदोबस्त करते रहता है खर्चा बचाने के लिए। हम लोग भी खर्चा बचाने के लिए बहुत कुछ देखता हूँ दोस्तों। हम लोगों का घर के सामने तो सजना का गाछ है ना, उनके वजह से हम लोगों का थोड़ा बहुत खर्चा भी बचता है। लेकिन ये बकरी को थोड़ा सा इसको बुखार या तो कुछ हो गया है या तो जाना दो दरअ है। ये बच्चे का तबीयत ख़राब है, इसी के वजह से वो नाराज़ है और इनको शायद कुछ हो गया है इसी के वजह से, या तो ज़्यादा खा लिया है ना इनके वजह से उसका फट गया है। ज़्यादा खाएगा तो सबका ही फटता है दोस्तों, आदमी का भी फटता है जानवर का भी फटता है, ऐसी बात नहीं है। और अभी देखो ये लोग अभी इधर खेल रहे हैं दोस्तों। तो चलो अपना काम अभी करने का है और मैं अभी जाऊँगा। हाँ दीवाना, तो अभी मुझे सोनिया जी के लिए घास भी करने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं जाऊँगा अभी सोनिया जी के लिए घास करने के लिए दोस्तों। लेकिन अभी ये लोग भी जाने के लिए मेरे पीछे पकड़ रहे हैं दोस्तों। और दिन में अभी गर्मी भी है, देखता हूँ अगर आज का मम्मी अगर बोलेगा कि लेके जाओ तो लेके जाऊँगा, नहीं तो नहीं लेकर जाऊँगा दोस्तों। क्योंकि अभी तबीयत भी ख़राब हो जाएगा और मौसम का अभी हालत ना बहुत ख़राब ही है और गर्मी के वजह से देखो तो पेशार हो चाहे जो भी पीलापन ना अभी पकड़ता है दोस्तों। इसी के वजह से अभी सभी आदमी को बहुत अच्छे से रहना पड़ता है और बहुत चेक होकर भी रहना पड़ता है दोस्तों। और अभी वो उधर जो पोल्ट्री का फार्म है ना दोस्तों, 24 घंटा वो पंखा चलता है वो पोल्ट्री मुर्गी को ठंडा देने के लिए। अगर पोल्ट्री मुर्गी को अगर गर्मी पकड़ लेगा ना तो एक भी नहीं बचेगा दोस्तों। इसी के वजह से 24 घंटा पंखा चल रहा है दोस्तों और बहुत बड़ा पंखा है, उसके वजह से हवा भी बहुत तेज़ी से बाहर हो रहा है दोस्तों। और मैं जाऊंगा अभी सोनिया जी के लिए घास करने के लिए दोस्तों। लेकिन अभी इधर थोड़ा बहुत घास है लेकिन ये घास ना अभी नहीं खा रहा है दोस्तों। तो ये दुम का खाने के लिए खाएगा शायद, क्योंकि अभी तो ये तो कच्चा है ना, देखो अभी खाएगा। और इनके लिए हर दिन बहुत सारा घास कर लेकर आता हूँ दोस्तों, लेकिन ये ना नहीं खाता है क्योंकि ज़्यादा मिल जाता है तो उनका ना मन में क्या होता है नहीं होता है कुछ मालूम ही नहीं करते जैसे दोस्तों। क्योंकि जानवर के बात सिर्फ नहीं है, आदमी लोगों का भी अगर ज़्यादा आदमी लोगों के पास हो या तो जानवर के पास हो, ज़्यादा अगर खाना मिल जाता है वो ना देखो इधर थोड़ा इधर खा लिया थोड़ा उधर खा लिया पूरा खाने को ना गंदा कर देता है दोस्तों। वैसा हालत अभी बकरी का भी है, अपना सोनिया जी के भी है दोस्तों, देख सकते हो। इनके लिए बहुत सारा घास कर लेके आता हूँ लेकिन देखो वही हालत, अभी घास नहीं खा रहा है दोस्तों। और ये घास जैसा देखने में लगता है कि ये सूख गया है, लेकिन इनको थोड़ा बहुत दूंगा क्योंकि खाएगा उधर से, ठीक है ना। और हम लोगों के घर के एक पीछे बिल्ली का बच्चा 2 या तो 4 है, वो ना बच्चा हर टाइम परेशानी करता है दोस्तों। इधर और इधर देख सकते हो इतना सारा भी कचरा ही कचरा है दोस्तों। और इधर ही बिल्ली का बच्चा है, नहीं नहीं वो बाड़ी चले गए थे नीचे। और वो हर टाइम ना देखो हम लोग जब रात के टाइम पे सोता हो तो उस टाइम क्या क्या और बहुत खेलता भी है वो लोग। और ये पन्नी के वजह से बहुत आवाज़ भी करता है दोस्तों, इसी के वजह से ना हम लोगों को बहुत परेशानी कर देते हैं दोस्तों। और इधर देख सकते हो नया पन्नी को फाड़ भी दिया है वो लोग खेलने के वजह से दोस्तों। और ये लोग ना बहुत हम लोगों को परेशानी भी करते हैं दोस्तों। और लेकिन वो अभी छोटा बच्चा है, इसी के वजह से उन लोगों का कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर बड़ा रहता तो बहुत मार मार कर भगाता दोस्तों। और ये लोग ना बहुत मुझे परेशानी कर रहा है दोस्तों। और अभी छोटा बच्चा है यार, उनको संभालने के लिए पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है क्योंकि अभी तो आयुष का मम्मी खाना पका रहा है ना दोस्तों। इसी के वजह से अभी पूरा भार मेरे ऊपर और पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है दोस्तों। तुम तक बोल रहा ना जो तुम रही खाना थकबा ना को आयुष आयुष तुम्हारा माँ बोल लो। और अभी ये दोनों को ना एक ड्यूटी दे दिया है आयुष का मम्मी, बोल रहा है कि लकड़ी लेके जाओ 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 वोटर ले जाओ वोटर ले जाओ जाओ वोटर दे जाओ। और इन दोनों को अभी लकड़ी लाने के लिए ड्यूटी दे दिया है, ये लोग लकड़ी लेने के लिए आया है। और मुझे नहीं पता करना, ये लोग सामने भी आ गए हैं ना दोस्तों तो बहुत मुझे टेंशन लग जाता है। चलो 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 पीछे, क्योंकि अभी जितना टाइम आयुष का मम्मी का खाना नहीं बनता है इन लोगों के पीछे मुझे टेम टेम कर घूमना पड़ेगा। और मुझे बहुत टेंशन भी है क्योंकि ये तो नया बच्चा है और इनको उतना अभी जानकारी नहीं है क्योंकि इन लोगों का घर भी ना बहुत अंदर है, इसी के वजह से इनको उतना जानकारी नहीं है क्योंकि इधर ना गाड़ी भी बहुत चल रहा है, अगर थोड़ा सा भी उधर चला गया ना तो बहुत
हो जाएगा, इसके वजह से मुझे बहुत अच्छे से देखना भी पड़ता है और बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। नदी नहाने के लिए और ये जो दो बच्चा है ना, इनको भी साथ पर लेके जाऊंगा क्योंकि इन लोगों को भी थोड़ा नदी का दोस्तों। अरे देखो अभी जाने के लिए कितना मस्ती कर रहे हैं लोग, तो चलो अभी मैं फटाफट जाता हूँ दोस्तों मस्ती करने। अभी मैं जा रहा हूँ नदी नहाने के लिए दोस्तों, ठीक है। इन दोनों को साथ पर लेके जा रहा हूँ और उन लोगों को ना उधर नदी पर जो भी कुछ दिखाने का है दिखा दूंगा, क्योंकि उनके गाँव में नदी है नहीं, तो इसी के वजह से मैं अपना सारू बेटा जो है ना दोस्तों उनको नदी दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ साथ पर। चलो चलो चलो, अभी से तो ये लोग दोनों मारपीट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये दोनों बहुत परेशानी कर रहे हैं मुझे, इतना परेशानी करना फिर अच्छी बात नहीं है ना। देखो कैसा कर रहे हैं कुत्ते को ना, ये लोग भी बहुत परेशानी कर रहे हैं यार। आयो से आ जा, और दोस्तों अभी अपना लड़के को और अपना सारू बेटे को अभी आया हूँ ये नदी दिखाने के लिए दोस्तों, कि उनके उधर तो नदी है नहीं ना, इसीलिए उनको दिखाने के लिए ज़्यादातर इनको लेके आया हूँ दोस्तों। और ये भी देख के बहुत खुश है और ये भी मुझे बहुत सवाल के ऊपर सवाल करते जा रहा है दोस्तों, और बहुत खुशी है इनको देख सकते हो दोस्तों। और अभी तो इधर उधर तो बहुत पानी उनी भी है ना दोस्तों, तो अभी मुझे बहुत संभल कर रखना भी पड़ रहा है इन लोगों को, लेकिन इन लोगों को उतना डर नहीं है और बहुत अभी आनंद भी कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ दिखाने के लिए मैं आया था ज़्यादातर, और नहाना मेरा पहला मकसद नहीं था, लेकिन जब आ ही आया हूँ दोस्तों तो नहा कर ही जाऊँगा। और ये लोग भी बहुत अभी नदी में क्या क्या फेंक रहे हैं दोस्तों और बहुत मस्ती कर रहे हैं ये लोग। की हाइट का है ना दोस्तों, तो बहुत मस्ती भी कर रहा है ये लोग और बहुत खेल रहा है ये लोग, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि भी नहा धोकर आ गया हो। और जो भी खाना खाने का था अभी हम लोग खा लिया हो दोस्तों, और बहुत अच्छे से अभी थोड़ा सा आराम भी करूँगा। और अभी तो दो बच्चा अपना लड़का और अपना सारू का जो लड़का है, ये दोनों ने आज बहुत परेशानी किया है दोस्तों, इतना परेशानी किया है ज़िंदगी में कभी भी मैं उतना परेशानी नहीं हुआ दोस्तों जितना ये दोनों ने आज मुझे किया है दोस्तों। और उन लोगों को नदी पे भी लेके गया था, लेकिन नदी पे लेके गया था उधर भी बहुत वो लोग ना शैतानी कर रहा था उन लोगों को देखने के लिए, तो अच्छे से देखभाल करना भी पड़ता था और बहुत सतर्क लाना भी पड़ा मुझे, बहुत हेरसमेंट भी हो गया था मैं ये दोनों की वजह से दोस्तों। और ज़िंदगी में कभी भी इतना हेरसमेंट नहीं हुआ था दोस्तों, लेकिन आज हमें ये दोनों बच्चे के कारण होना पड़ा था दोस्तों। तो ठीक है, आपका भाई आपका दोस्त हर दिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ गाता रहेगा, कुछ ना कुछ दिखाता रहेगा दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अपना फैमिली का, अपना जिधर का भी का हो, चाहे अपना विलेज का, जो भी सुख दुख जो भी कुछ होएगा दोस्तों आप लोगों से मैं शेयर करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा दोस्तों। और आप लोगों का प्यार और खूब सारा प्यार मुझे मिल रहा है ना, इसके वजह से मैं ज़िंदगी का सब कुछ भूल चुका हूँ दोस्तों, सिर्फ आप लोगों से मैं जुड़ के रहना चाहता हूँ। और आप लोगों से जो भी शेयर करने का है ना मैं करता रहूँगा दोस्तों, इसी तरह मुझे प्यार करते रहना और जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लिखाऊंगा, कुछ ना कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार एंड गुड बाय दोस्तों।